हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू। दम आलू बनाने के लिए हमको सामान चाहिए। आलू कच्चे हैं, इनको छील करके काटा हुआ है बड़े पीसों में। 2½ कप टमाटो प्यूरी, 2 टेबल स्पून काजू का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक और मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, शुगर स्वाद अनुसार, 1½ टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, ये तेज पत्ता, जीरा और इलायची, ये तड़के के लिए, धनिया गार्निशिंग के लिए, 1/2 कप दही है फेंटा हुआ। अब हम सबसे पहले आलूओं को तलेंगे। अब हम तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू। तेल गरम हो गया है। आलू को हमको गुलाबी होने तक और सॉफ्ट होने तक इनको तलना है। अभी आलू तल चुके हैं, अब इनको हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। पैन रखेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी और थोड़ा सा ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे तेज पत्ता, इलायची और जीरा। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद डालेंगे हम टमाटर का प्यूरी। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे, ऑयल अलग ना हो जाए इससे। तब तक हमें टमाटर को पकाना है। अब इसमें ये ऑयल भी अलग हो चुका है थोड़ा थोड़ा। अब इसमें हम डालेंगे जो अदरक और मिर्च का पेस्ट था उसको हम डालेंगे। इसको हल्का सा भूनेंगे हम। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। Thank you.
भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दही, दही डालने के बाद हमें इसको घी छोड़ने तक फिर से पकाना है। अब ये दही सूख चुका है, इसमें से घी थोड़ा सा अलग सा हो गया। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, और इसको हल्का सा फिर से भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे काजू का पेस्ट, थोड़ा सा पानी, डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके। और 1/2 टीस्पून शुगर, ग्रेवी अपने हिसाब से पतली या थिक रख सकते हैं। ये हमारी ग्रेवी तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे आलू तले हुए जो हमारे रखे हुए हैं। दो मिनट के लिए मध्यम मध्यम आंच पर पकाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हमारी ये सब्जी तैयार है दम आलू की।
अब हम इसको सर्व करेंगे। हमारी समालू की सब्जी तैयार है सर्व के लिए। थैंक यू। प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट।